मैथ मास्टर और अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पाइप टंकी या नल टंकी। पाइप टंकी या नल टंकी का एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिए थे, आज हम लोग का दूसरा वीडियो है, तो आप लोग गौर से देखिए। बेसिक पार्ट उस वीडियो में बताए थे, इस वीडियो में बेसिक पार्ट आप लोग को बताएंगे, तो आप लोग बने रहिएगा। चलिए समझिएगा, कुछ बेसिक पार्ट आप लोग को बता देते हैं कि आप लोग को समस्या न हो। ए है जो 10 घंटा में भर रहा, बी है जो किसी हौज को 20 घंटा में भर रहा, तो दोनों मिलकर उस हौज को कितना घंटा में भरेगा। तो समझिएगा, जब दोनों भरने वाला रहता है तो ऊपर गुना और नीचे क्या करते हैं, जोड़ करते हैं। चलिए तो ए हो गया 10 और बी हो गया जो 20, और जोड़ेंगे 20 और 10 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20/3। इसको भागा देंगे तो पूर्णांक में आएगा 6/2/3 घंटा। चलिए यह क्या हो गया, आंसर हो गया। बोलिएगा कि सर जब दोनों भरने वाला था तो, अब मान लिया जाए कि जब खाली करने वाला रहेगा तो, इसी सवाल में रहेगा कि जो ए है जो 10 घंटा में भर रहा, बी है जो 20 घंटा में खाली कर रहा, तो उस हौज को कितने घंटे में खाली कर देगा। तो समझिएगा, भरने वाला को प्लस कहते हैं और निकालने वाला को क्या कहते हैं, माइनस कहते हैं। तो चलिए जब ये को भरने वाला रहेगा और ये को खाली करने वाला रहेगा, तो उसका फार्मूला हम आप लोग को बताए थे कि ऊपर गुना करेंगे और नीचे घटाव करेंगे। समझिएगा, जब आप लोग को हम बताए थे कि एक गो टंकी को भर रहा और दूसरा नल टंकी को खाली कर रहा, तो ऊपर गुना करेंगे नीचे घटाव करेंगे। तो समझिएगा, चलिए मान रखिएगा 10 हो जाएगा और गुना 20 हो जाएगा, घटाएंगे 20 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, आपका 20 घंटा में खाली कर देगा। चलिए यह क्या हो गया, आंसर हो गया। चलेंगे हम सवाल पे चलेंगे, इतना तो बेसिक कंसेप्ट आप लोग समझ गए। देखिएगा, फर्स्ट सवाल बोर्ड पर दिया हुआ है कि 4 नल पानी के टैंक को व्यवस्थित करता है क्रमशः 1 घंटे 2 घंटे, समझिएगा, 3 घंटे तथा 6 घंटे में भर सकता है। यदि सभी चारों नल एक साथ खोले जाएं तो कितने घंटा में टंकी भर सकती है। समझिएगा, जैसे कौची बोल रहा है, फर्स्ट है जो 1 घंटे में भर सकता है, और दूसरा नल है जो 2 घंटे में भर सकता है, समझिएगा, और तीसरा नल है जो 3 घंटे में भर सकता है, और चौथा नल है, समझिएगा जी, चौथा नल है जो 6 घंटे में भर सकता है। तो इसका बाद देखिएगा, जब 1 घंटा में भर रहा है तो पार्ट को उल्टा डे होता है, डे को उल्टा पार्ट होता है, तो इसको कहेंगे तो 1/1 + 1/2 + 1/3 + 1/6 हो जाएगा। चलिए इस सब को क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम लेंगे, इसको एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 6 × 1 = 6 हो जाएगा, प्लस 2 × 3 = 6 और प्लस 3 × 2 = 6 और 6 × 1 = 6 हो जाएगा। चलिए उस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर वाला आपका 12 हो जाएगा, 12/6 होगा, ये काटेंगे तो 6 × 2 = 12, ये भाग में न हुआ, लेकिन क्या बोले थे कि भाग को उल्टा डे होता है, डे को उल्टा भाग होता है, तो हम लोग भाग में आए यहाँ, तो इसको पलट देंगे तो 1/2 घंटा, यह क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। चलिए देखिए ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये आंसर हो गया। हम लोग चलेंगे दूसरा सवाल को देखेंगे। देखिएगा क्या बोल रहा है कि 2 पाइप A और B एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकता है, तो यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। जैसे समझिएगा आप लोग, ए है जो कितना देरी में भर रहा है जी, 20 मिनट में भर रहा है, समझिएगा 20 मिनट में, और बी है जो कितना देरी में भर रहा है, 30 मिनट में भर रहा है, समझिएगा। तो जब दोनों भरने वाला रहेगा तो हम लोग क्या बताए थे कि ऊपर गुना करेंगे, समझिएगा, जब दोनों भरने वाला रहेगा तो ऊपर गुना करेंगे और नीचे हम लोग क्या करेंगे, नीचे जोड़ करेंगे। तो एक कितना देरी में भर रहा है, 20 मिनट में भर रहा है, अब भी भर रहा है 30 मिनट में भर रहा है, समझिएगा, 30 से भी जोड़ेंगे तो कितना, 50, जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 × 6 = 30, इसको करेंगे तो 6 × 2 = 12 मिनट, कितना हो गया, 12 मिनट में भर जाएगा, 12 मिनट का समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।
चलिए हम लोग देखेंगे तीसरा सवाल को। देखिएगा पहले सवाल को पढ़ते हैं। किसी हाउज को पाइप ए 6 घंटा में भरता है, ए है जो कितना देरी में 6 घंटा में भरता है, तथा बी पाइप है जो 8 घंटा में भरता है, बी है जो कितना 6 घंटा में भरता है, बी भरता 8 घंटा में भरता है। समझिएगा, ए पाइप है जो 6 घंटा में भरता है, बी है जो 8 घंटा में भर सकता है, तो दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, तो किंतु 2 घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। समझिएगा, ए है जो समझिएगा, तो मान लिया जाए कि ए है जो 2 घंटा काम किया होगा, समझिएगा, ए है जो 2 घंटा काम किया होगा और बी भी है 2 घंटा कार्य किया होगा, समझिएगा, उसका बाद क्या बोल रहा है, किंतु 2 घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, तो हाउज को शेष भाग को भरने के लिए बी को कितने घंटा का समय लगा। तो मान लिया जाए कि बी एन शेष काम एन घंटा किया होगा, बी है जो शेष काम एन घंटा किया होगा, समझिएगा, ए है जो 6 घंटा किया काम, तो 1 घंटा काम करेगा तो 1/6, बी 2 घंटा काम करेगा तो 2/6, 3 घंटा काम करेगा तो 3/6, तो के घंटा काम किया है 2 घंटा, तो 2/6। चलिए आप बी है जो 1 घंटा काम करेगा तो 1/8, 2 घंटा काम किया तो 2/8, तो बी के घंटा काम किया है 2 + n/8। चलिए इसलिए भर रहा है तो इसलिए प्लस करेंगे और बराबर जब बढ़ेगा तो हम लोग ओवन करते हैं। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो जब 6 और 8 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 24 होगा, तो 6 × 6 = 24, तो 4 × 2 = 8 प्लस करेंगे, इसका 8 + 24, तो 3 × 2 = 6 प्लस हो जाएगा 3n बराबर हो जाएगा 1। चलिए इसको जोड़ेंगे तो 8 × 6 कितना हो जाएगा, 8 × 6 = 14 प्लस 3n बराबर हो जाएगा 24। इसका बाद इधर देखिएगा, ये हो जाएगा 3n, 24 में से 14 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 10/3, n बराबर हो जाएगा 3 पूर्णांक 1/3 घंटा है, तो घंटा में यह क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। चलिए हम लोग देखेंगे चौथा सवाल की ओर। देखिएगा, एक हौज को 9 घंटा में भरता है भर जाती है जब इसके पेंदों में छिद्र हो जाता है तो भरने में 10 घंटा का समय लगता है। यदि हौज पूरा भरा हो तो छिद्र को पूरा हौज खाली करने में कितना समय लगेगा। समझिएगा, ए है जो 9 घंटा में भर देता है, और बी है टंकी हौज में हौज है जो ए है जो एक हौज को 9 घंटा में भर देता है, लेकिन छिद्र होने के कारण अब वह हौज को 10 घंटा में भर रहा, तो डिस्टर्ब एलिमेंट का एक सवाल हो गया, तो 9 घंटा में क्या कर 10 घंटा में खाली कर दे रहा, तो समझिएगा, तो ऊपर गुना करेंगे, जब ऐसा सवाल एगो भरने वाला एगो खाली करने वाला रहता है तो इसका फार्मूला होता है ऊपर गुना और नीचे करेंगे घटाव करेंगे। चलिए तो 9 × 10 घटावेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 9 × 90 घंटे, यह क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। चलिए हम लोग देखेंगे चौथा सवाल को। देखिएगा समझिएगा, एक हौज में लीक है जो कि इसे 8 घंटा में खाली कर देता है, एक नल को इसी टंकी में खोल दिया जाता है जो कि प्रति मिनट 6 लीटर टंकी को भरता है, और इस तरह हौज को 12 घंटे में खाली होता है, तो बताइए कि हौज में कितने लीटर जल रखने की क्षमता है, मतलब कि हौज को कैपेसिटी या क्षमता, मतलब हौज में कितना लीटर पानी रहेगा अटेगा। तो समझिएगा, ए है जो 8 घंटा में खाली कर रहा, 8 घंटा में खाली कर रहा, और बी है जो कि प्रति 6 लीटर टंकी को भरता है और इस तरह 12 घंटे में खाली होता, तो ये तो आपका भरने वाला होगा।
चलिए जब ऐसे रहेगा तो ए को भरने वाला ए को खाली करने वाला रहता है, तो इसका हम फार्मूला बताए थे कि ऊपर गुना करेंगे और नीचे घटाव करेंगे। चलिए तो कीजिए, तो आठ गुना करेंगे बारह, समझिएगा आठ गुना बारह घटावेंगे तो चार, बारह में से आठ जाएगा तो चार, चार दूनी आठ होगा, चार दूनी आठ होगा, इसको गुना करेंगे तो बारह दूनी हो जाएगा चौबीस, घंटा हो गया ये, चौबीस घंटा हो गया। लेकिन क्या बोल रहा है, फिर आगे पढ़िएगा, जो कि प्रति मिनट 6 लीटर टंकी को भरता है। तो समझिएगा इसे निकालेंगे कि टंकी की क्षमता, टंकी की कुल टंकी के कुल क्षमता निकालेंगे, समझिएगा टंकी के कुल क्षमता निकालेंगे। तो यहाँ पे कितना है, 24 घंटा हुआ, तो इसको मिनट में आया है, तो इसको मिनट में 24 घंटा को मिनट में चेंज करेंगे तो हम लोग 60 से गुना करेंगे, घंटा को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से गुना करेंगे तो ये हो गया मिनट में हो गया। चलिए गुना 6 लीटर प्रति मिनट, तो मिनट से मिनट आपको क्या हुआ कट जाएगा, उसका बाद करेंगे आगे तो 24 गुना 60 करेंगे जी, चलिए 6 है तो 6 लीटर से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, जब इसको गुना करेंगे तो 8640 लीटर किया, 8640 लीटर क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब टंकी में, टंकी का टोटल कैपेसिटी कितना हो गया, 8600 लीटर पानी टंकी में अटेगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।